नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस एंड लेट एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स टू वाई एफ। देन एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। कहने का मतलब क्या है? इनवर्स इमेज, भाई एक्स टू वाई क्या दे रखा है, एफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है और एफ क्या दे रखा है, वाई के अंदर एक क्लोज सबसेट है। तो क्लोज, इस क्लोज सबसेट की अगर मैं इनवर्स इमेज लूंगा, ठीक है ना, यानी कि एफ से एफ इनवर्स क्या आएगी, इनवर्स इमेज अंडर एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो इसके एफ की प्री इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ अगर वाई के अंदर क्लोज सबसेट है तो इसकी इनवर्स इमेज क्या आएगी, एक्स के अंदर एफ इनवर्स एफ आएगी। तो हमें ये प्रूव करना है अगर एफ क्लोज है वाई के अंदर तो इसकी इनवर्स इमेज भी एक्स के अंदर क्या है, क्लोज सबसेट आएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई भी वाई के अंदर कोई भी आप क्लोज सबसेट लोगे, ठीक है ना, ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया। एवरी क्या कंडीशन है, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है ना, इनवर्स इमेज एक्स के अंदर क्या आएगी, इसकी क्लोज्ड आएगी, ठीक है ना। ओके, तो देखो इसके लिए हम पहली थ्योरम का यूज करेंगे। हम जानते हैं अभी इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी थी, अभी लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मैट्रिक स्पेस एंड लेट एफ एक्स टू वाई, देन एफ इज कंटिन्यू इफ एंड ओनली इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन, ओपन पहले क्या था, यहाँ क्या क्लोज है, यहाँ क्या ओपन है, ठीक है ना। इससे पहले एवरी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज ए क्लोज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अंडर क्या, एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ करेंगे, देखो लेट प्रूफ उस थ्योरम का यूज करेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एफ इज कंटिन्यूअस, इसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेते हैं लेट एफ इज ए क्लोज सबसेट, ठीक है ना, एफ इज एनी ले लेते हैं, एफ इज एनी क्लोज सबसेट ऑफ वाई। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ इनवर्स एफ इज क्लोज सबसेट इन एक्स, राइट। अब देखो, अब सिंस एफ इज क्लोज्ड, ठीक है ना, हम जानते हैं एफ इज क्लोज, सो वाई माइनस एफ, y माइनस एफ यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, y माइनस एफ ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इज ओपन, इज ओपन, ठीक है। अब इस थ्योरम का यूज करेंगे, क्या अगर भाई इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो तो यहां से क्या करेंगे, यूज कर लेंगे उस थ्योरम का, इनवर्स इमेज ऑफ सिंस, देखो क्या, सिंस एफ इज कंटिन्यूस so f इनवर्स y माइनस एफ इज ओपन, क्योंकि y माइनस एफ किसके अंदर ओपन है, y के अंदर है, तो इसकी इनवर्स इमेज अंडर कंटिन्यूस मैपिंग क्या आएगी, f इनवर्स y माइनस एफ इज ओपन। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो, अब ये फार्मूला खोल देंगे, f इनवर्स y माइनस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y माइनस एफ इनवर्स एफ। अब ये वाई क्या है, पूरा पूरा सेट है, तो इसकी इनवर्स इमेज क्या आएगी, पूरा पूरा एक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस एफ इनवर्स एफ, ठीक है। तो एफ इनवर्स वाई माइनस एफ क्या है, ये ओपन, सो एक्स माइनस में एफ इनवर्स एफ भी क्या आएगा, ओपन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, इज ओपन इन एक्स। अब एक्स माइनस में एफ इनवर्स एफ ये क्या है, एक्स माइनस में एफ इनवर्स एफ का ये है एफ इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर ये एक्स माइनस में एफ इनवर्स एफ अगर ओपन इन एक्स है तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से एफ
इनवर्स एफ ए इज क्लोज्ड इन एक्स, ठीक है ना। तो क्या लिया था मैंने, एफ को कोई क्लोज सबसेट लिया था, किसका, वाई का कोई भी, ठीक है ना। तो उसकी इनवर्स इमेज क्या लिया है हमें, क्लोज लिया है, किसके अंदर है, एक्स के अंदर, ठीक है ना। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा थोड़ा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, अगर भाई इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड अंडर, ठीक है ना, हम ये मान लेंगे इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो क्या प्रूव कर देंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई इज ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, एफ इज कंटिन्यूस। तो एफ इज कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं हमें, अगर भाई इसकी इसके अंदर क्या ले लेते हैं, जी कोई ओपन सेट ले लेते हैं, जी क्या ले लेते हैं, कोई ओपन सेट, लेट जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई, सो वाई माइनस जी इज क्लोज्ड इन वाई। अब देखो, अगर वाई एक मीट्रिक स्पेस है, वाई अगर मीट्रिक स्पेस है तो इसका, अगर इसके अंदर क्या होता है, दोनों चीज़ होती हैं। अगर जी क्लोज लेंगे तो उसका जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ओपन आएगा। अगर जी को क्या लेंगे, ओपन लेंगे तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, क्लोज होता है, ठीक है ना। तो ये मीट्रिक स्पेस के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, देखो वाई माइनस में जी इज क्लोज इन वाई, और ये हमने मान रखा है अगर भी इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए इनवर्स वाई माइनस जी, वाई माइनस जी इज ए क्लोज्ड सबसेट इन एक्स। तो यहां से क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई माइनस जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स जी। अब इस एक्स की इमेज क्या आएगी, नहीं यहाँ पे क्या आएगी, वाई की इमेज क्या आएगी, ये आ गया पूरा एक्स, ठीक है ना, क्योंकि पूरा वाई की इनवर्स इमेज क्या आएगी, पूरा कंप्लीट एक्स माइनस एफ इनवर्स जी। यहाँ से एक्स माइनस एफ इनवर्स जी क्या आ गया, क्लोज्ड बाई अजम्पशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, क्लोज आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स जी इज ओपन, एफ इनवर्स जी इज ओपन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया बच्चों, अब भाई इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी ओपन सबसेट, ओपन सबसेट ऑफ वाई इज ओपन सबसेट इन एक्स, यानी कि इनवर्स हमने जी कह लिया ओपन, इसकी इनवर्स इमेज भी क्या आ गई, ओपन। सो फर्स्ट थ्योरम से, जो इससे पहले वाली थ्योरम करी थी, अब यहां से एफ क्या आ गया हमारा, कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, लेट आर डी बी इज ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट एफ बी ए फंक्शन आर इंटू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या आंसर देगा, एफ एक्स वन देगा, और जीरो के ऊपर क्या देगा, जीरो देगा, और लेस देन नेगेटिव नंबर के ऊपर क्या इमेज आएगी, माइनस वन। अब देखो ये आर टू आर, ये क्या है एफ। अब देखो, अब ये तो पूरा रियल नंबर है, अब इसके अंदर है ना सिर्फ तीन ही नंबरों की इमेज आएगी, माइनस वन, वन जीरो और माइनस वन, यानी कि इस फंक्शन की अगर हम रेंज की बात करें तो क्या आएगी, वन जीरो माइनस वन, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, देखो इसके अंदर कोई ओपन सेट ले लेते हैं, कंसीडर एन
ओपन सबसेट, ओपन सबसेट क्या ले लिया मैंने, मान लिया जी ले लिया इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू से वन बाई टू। कैसा सेट है ये? ओपन सबसेट है किसका? आर का। क्या है? आर का। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर भाई देखो इनवर्स इमेज भी उसी की आती है, इनवर्स इमेज उसी की आएगी जिसकी इमेज आएंगे। इमेज क्या जा रही है, हर एक रियल नंबर की इमेज क्या है, या तो वन है या जीरो है या माइनस वन है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसकी इनवर्स इमेज, अब इसकी इनवर्स, अब देखो अब जी के अंदर है, अब इसकी अगर मैं एफ इनवर्स जी निकालूं, यानी कि एफ इनवर्स माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, तो देखो इसके अंदर तो क्या है, सिर्फ जीरो है, तो जीरो की इमेज क्या आएगी, इधर जीरो आएगी, यानी कि क्या आएगा, ये सिंगलटन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वन ना तो वन जी के अंदर है, ठीक है ना, और ना ही माइनस वन जी के अंदर है, ठीक है ना। तो वन की इमेज तो क्या जाती, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाते और कुछ क्या आ जाते, माइनस वन भी होता है यहाँ पर है, अगर इसके अंदर है, अगर मैं इस पूरे की इमेज पर इमेज लूँगा तो क्या आएगा, आ जाएगा। लेकिन क्या है, क्योंकि माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, इसके अंदर क्या है, जीरो, तो जीरो की ही क्या आएगी, खाली प्री इमेज आएगी अंडर एफ इनवर्स, वो क्या आएगा, एफ इनवर्स जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो ही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ जीरो ही आएगा, क्योंकि वन जी के अंदर नहीं है, माइनस वन भी जी के अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ जीरो की इमेज ही इसके अंदर आएगी, क्योंकि जीरो इसके अंदर है, तो जीरो की प्री इमेज क्या आएगी, जीरो ही आएगी, ठीक है ना। वन ना तो जी के अंदर है, ना माइनस वन जी के अंदर है, और सिंगलटन जीरो क्या है, एफ इनवर्स जी इजिकल टू सिंगलटन जीरो क्या है, इज ए क्लोज्ड, क्या है, क्लोज्ड, ठीक है ना, क्लोज्ड। जानते हो एवरी सिंगलटन एलिमेंट सेट इज ए क्लोज, ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ओपन आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन इन आर, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। हम जानते हैं भाई, देखो जिसकी इमेज आएंगी ना उसी की प्री इमेज आती है, हमेशा याद रखो, ठीक है ना। तो ये होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे अब इमेज तो क्या है, वन जीरो माइनस वन तीनों पे गई है, लेकिन जो प्री इमेज आ रही है, प्री इमेज क्या है, सिर्फ जीरो की आएगी, क्योंकि इसके अंदर ना तो वन है ना ही माइनस वन है, तो जीरो है, जीरो की प्री इमेज क्या आएगी, जीरो ही आएगी। देखो यहाँ ये जीरो दे रखा है, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के ऊपर आएगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना तो वन है ना ही माइनस वन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ इनवर्स जी क्या आएगा, जीरो आएगा, और जी सिंगलटन जीरो, और ये कैसा सेट है, क्लोज है। तो इसका मतलब एफ इज नॉट कंटिन्यूस सिंस बाई फर्स्ट थ्योरम इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज क्लोज आ गई, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो आपको ये एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।